हेलो गाइस, माय सेल्फ अंकुश खंडावले। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लर्निंग। ये हमारा चैनल नेम है। टुडे हम सीखने वाले हैं कि रजिस्टर के कलर कोड्स एंड एसएमडी कंपोनेंट के जो पैकेजेस रहते हैं उससे हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो कितने वैल्यू का रजिस्टर है। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि रजिस्टर के टाइप्स, बाद में उसके डेफिनेशंस, उसका डिस्क्रिप्शन और इमेजेस ऑल्सो, एंड उसका फ्लो चार्ट भी हमने सीखा था। बाद में जो रजिस्टर्स रहते हैं वो कितने इम्पोर्टेंस है वो भी हम पिछले वीडियो में देखे थे। आज की वीडियो में हम उसके कलर कोड्स एंड एसएमडी कंपोनेंट के जो पैकेजेस रहते उससे हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो कितने वैल्यू का रजिस्टर है। यही हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रजिस्टर के कलर कोड का जो टेबल रहता है जिससे हम जो कलर कोड्स के रजिस्टर्स रहते हैं उससे हम फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से कलर के लिए कौन सी वैल्यू इम्पोर्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू रहती है कलर के हिसाब से कौन सा कलर के लिए कौन सी वैल्यू ऐड करनी चाहिए, ये उसका टेबल है। इससे हम जो अपना कलर कोड की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उससे बहुत अपने लिए इजी पड़ता है कि वो कैसे फाइंड आउट करें। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी वैल्यूज। बाद में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और जीरो के लिए कौन सा कलर है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट के लिए सेम कलर रहता है। जीरो के लिए ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वन के लिए ब्राउन, सेकंड के लिए रेड, थर्ड के लिए ऑरेंज, फोर्थ के लिए येलो, फिफ्थ के लिए ग्रीन, सिक्स के लिए ब्लू, सेवन के लिए वायोलेट, एट के लिए ग्रे एंड नाइन के लिए वाइट। सिमिलरली मल्टीप्लायर के लिए याद रखने के लिए बहुत ईजी है मल्टीप्लायर की वैल्यू। फर्स्ट सिल्वर लेने का, बाद में गोल्ड, और ब्लैक से लेके वायलेट तक सेम नाम डालने का, जो कलर्स रहते हैं सेम कलर्स डालने का। बाद में जो वैल्यूज रहते हैं सिल्वर के लिए 0.01, देन पॉइंट के बाद 0.1 है, उसमें से ज़ीरो निकाल के 0.1 डालने का, वो गोल्ड की वैल्यू है। बाद में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट के लिए कैसी वैल्यू याद रखने की इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ब्लैक के लिए 1, ब्राउन के लिए 10, रेड के लिए 100, ऑरेंज के लिए, जैसे ब्लैक के लिए हमने 1 दिया था उसमें 1 के ऐड करने को ऑरेंज के लिए, बाद में येलो के लिए 10 के, ग्रीन के लिए 100 के, ब्लू के लिए 1 मेगा एंड वायलेट के लिए 10 मेगा। इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि वो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है कैसे याद रखें। बाद में अपना थर्ड वन इज़ अ टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स क्या, जो अपना जो वैल्यूज़ रहता है उसमें जो प्लस माइनस जो वैल्यू रहते हैं परसेंटेज में, उसको हम टॉलरेंस यूज़ करते हैं। बाद में जो रजिस्टर्स रहते हैं उसमें कलर के हिसाब से उसका टॉलरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उसमें टॉलरेंस यूज़ करते हैं। टॉलरेंस में सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% रहता है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% रहता है, ब्राउन के लिए प्लस माइनस 1%, रेड के लिए प्लस माइनस 2%, ग्रीन के लिए प्लस माइनस 0.5%, ब्लू के लिए प्लस माइनस 0.25%, वायलेट के लिए प्लस माइनस 0.1%। इससे ये हमारा टॉलरेंस की वैल्यू। बाद में टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें यूज़ नहीं होते पर याद रखने के लिए कुछ हरकत नहीं अपने लिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में ब्राउन के लिए 100 ppm, देन रेड के लिए 50 ppm, देन ऑरेंज के लिए 15 ppm, येलो के लिए 25 ppm। यह हमारा कलर कोड का टेबल है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कलर रजिस्टर के जो कलर कोड है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रजिस्टर के वैल्यूज। चलो आज अभी हम सीखते हैं कि प्रॉब्लम्स, जो रजिस्टर के जो कलर कोड्स रहते हैं उससे हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, वो हम आज सीखने वाले। सपोज़ हमारा जो रजिस्टर है उसमें 4 बैंड्स है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वन रेड, सेकेंड वन इज़ ग्रीन, थर्ड वन इज़ अ येल्लो एंड फोर्थ वन इज़ अ गोल्ड। यह हमारे 4 कलर्स है। बाद में
उससे हमको अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करें, रेड की वैल्यू क्या है अपने टेबल में, फर्स्ट डिजिट ये हमारे इसमें कैसे आएंगे, चार बैंड्स रहेंगे उसमें दो फर्स्ट डिजिट रहेगा, सेकंड डिजिट रहेगा, थर्ड वन इज़ अ मल्टीप्लायर रहेगा एंड फोर्थ वन इज़ अपना टॉलरेंस रहेगा। बाद में फाइव बैंड्स रहेंगे तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ वन मल्टीप्लायर एंड फिफ्थ वन इज़ अ अपना टॉलरेंस। सिमिलरली अपना जो कलर कोड्स रहते हैं उसमें हम जो तीन कलर कोड दिए रहेंगे तो फर्स्ट डिजिट, देन सेकंड कलर वन इज़ अ मल्टीप्लायर एंड थर्ड कलर इज़ अ अपना टॉलरेंस। इससे हम अपना जो बैंड के हिसाब से हम अपने डिजिट मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस ऐड कर सकते। बाद में जो अपने जो कलर कोड से उसमें पहला कलर कौन सा दिया है, रेड, रेड की वैल्यू टेबल में क्या है, टू, इससे हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, टू। ग्रीन की वैल्यू टेबल में सेकेंड डिजिट में क्या है, फाइव, इसलिए हम फाइव ऐड किया। बाद में येलो की वैल्यू अपने टेबल में मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू अपने टेबल में क्या है, टेन के, इसलिए हम टेन के ऐड किया। बाद में गोल्ड का टॉलरेंस क्या है, प्लस माइनस 5%, इससे हम फाइंड आउट क्या करेंगे, 25 × 10 कितना हुआ, 250 किलो ओम, प्लस माइनस टॉलरेंस अपना 5%। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रजिस्टर कितने वैल्यू का है, 250 किलो ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। सेकेंड प्रॉब्लम हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ अ रेड, सेकेंड वन इज़ अ ग्रीन, थर्ड वन इज़ अ ऑरेंज एंड फोर्थ वन इज़ अ गोल्ड। इससे हम क्या फाइंड आउट करें, ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। रेड की वैल्यू क्या है, 2, ग्रीन की वैल्यू 5, देन ऑरेंज की मल्टीप्लायर कितना है, 1 के, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 5%। इससे हम वो फाइंड आउट क्या करेंगे, वो 25 किलो ओम प्लस माइनस 5% का वैल्यू का रजिस्टर है। सेकेंड प्रॉब्लम हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ अ येलो, सेकेंड वन इज़ अ ब्लू, थर्ड वन इज़ अ ब्लैक, फोर्थ वन इज़ अ ऑरेंज, फिफ्थ वन इज़ अ ब्राउन। इससे हम इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें फोर कलर कोड से, इसमें हम देख रहे हैं कि फाइव कलर कोड से। इसमें क्या है, फर्स्ट वन फर्स्ट डिजिट में येलो, सेकंड डिजिट में ब्लू, थर्ड डिजिट में ब्लैक, फोर्थ वन क्या है अपना मल्टीप्लाई। इसमें फाइव कलर से इसलिए फर्स्ट थ्री फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ वन अपना मल्टीप्लायर एंड फिफ्थ वन अपना टॉलरेंस। बाद में येलो की वैल्यू क्या है, 4, देन ब्लू में सेकंड डिजिट की वैल्यू क्या है, 6, ब्लैक में से थर्ड डिजिट की वैल्यू क्या है, 0, देन अपना मल्टीप्लायर कितना है, मल्टीप्लाई बाय, ऑरेंज की मल्टीप्लाई कितना है, 1 के एंड ब्राउन का अपना टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 1%। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 460 किलो ओम प्लस माइनस 1%। यह हमारा फाइव बैंड रजिस्टर की जो वैल्यू है उससे कलर कोड से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। बाद में हम सिक्स बैंड के देखेंगे, उसमें क्या है, रेड, वायोलेट, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन। इसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वन इज़ अ रेड, सेकंड डिजिट वायोलेट, थर्ड डिजिट ब्लू, फोर्थ डिजिट क्या करेंगे अपना मल्टीप्लायर, फिफ्थ डिजिट अपना टॉलरेंस एंड जो सिक्स रहता है, सिक्स बैंड में जो सिक्स कलर रहता है वो अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेड की वैल्यू 2, सेकेंड डिजिट में वायलेट की वैल्यू 7, थर्ड डिजिट में ब्लू की वैल्यू 6, देन ब्लैक का मल्टीप्लायर 1, देन प्लस माइनस रेड का टॉलरेंस प्लस माइनस 2%। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना रजिस्टर सिक्स बैंड का जो कलर कोड है उससे हम फाइंड आउट करेंगे 276 ओम प्लस माइनस 2% विद अपना जो सिक्स कलर कौन सा है, ब्राउन। उसमें अपना जो टेबल में दिया हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ब्राउन का कितना है, 100 ppm, विथ 100 ppm अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ। बाद में हम फिफ्थ प्रॉब्लम देखेंगे, फाइव बैंड में येलो, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर एंड ब्राउन। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। येलो के लिए क्या अपना 4, ब्लू के लिए सेकेंड डिजिट कलर कोड में जो वैल्यू है ब्लू की वो 6, देन ब्लैक की 0 एंड सिल्वर के लिए जो मल्टीप्लायर 0.01 × देन प्लस माइनस ब्राउन का टॉलरेंस प्लस माइनस 5 1%।
देन उसका अपना वैल्यू कितना हुआ 4.60 ओम प्लस माइनस 1%। वेरी इजी है, अपना जो 460 है उसमें 1-2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 4.60, इसलिए हम प्लस माइनस 1% 4.60 1-2 यहाँ पे 1-2 पॉइंट 4.60 ओम प्लस माइनस 1%। इससे हम सिल्वर का जो मल्टीप्लाई 0.01 उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो रजिस्टर कितने वैल्यू का है। देन आपने सिक्स प्रॉब्लम में क्या है, येल्लो ब्लू ब्लैक ब्राउन एंड गोल्ड एंड ब्राउन, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट डिजिट में येल्लो की वैल्यू 4, ब्लू में अपनी वैल्यू सेकेंड डिजिट की वैल्यू 6, देन ब्लैक में अपना थर्ड डिजिट की वैल्यू 0, देन गोल्ड में अपना जो मल्टीप्लाई 0.1 प्लस माइनस 1% अपना ब्राउन का टॉलरेंस, इससे हम फाइंड आउट क्या करेंगे 46.0 ओम प्लस माइनस 1%। 0.1 मल्टीप्लाई किया आपने 460 के साथ, इसलिए पॉइंट के बाद 1, इसलिए इसके बाद 46.0, इसलिए 46.0 ओम प्लस माइनस 1%। इससे हम जो अपना मल्टीप्लायर है गोल्ड 0.1, इससे हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टुडे हम देखने वाले हैं कि रजिस्टर जो SMD कंपोनेंट के जो पैकेजेस रहते हैं रजिस्टर के, वो हम सीखने वाले हैं। SMD रजिस्टर के पैकेजेस कौन से, टाइप विड्थ लेंथ एंड वेट्स। जो अपने रजिस्टर के जो SMD पैकेज रहते हैं टाइप्स क्या है, 4.0.4.0.2, 0.6.0.3, 0.8.0.5, 1.2.0.6, 1.2.1.0, 2.0.1.0, 2.5.1.2, ये टाइप्स ऑफ SMD रजिस्टर के पैकेजेस है। जो 4.0.4.0.2 की जो विड्थ रहती है 0.50 रहती है, लेंथ 1.0 रहता है एंड वेट 1.60 वेट रहता है। देन 0.6.0.3 का जो विड्थ रहता है वो 0.80 रहता है, लेंथ 1.60 रहती है, वेट 1/16 वेट माइनस 1/10 वेट्स रहता है। देन 0.8.0.5 की जो विड्थ रहती है 1.25, लेंथ 2.0, वेट 1/10 माइनस 1/8। देन 1.206 की विड्थ रहती है 1.60, लेंथ 3.20, वेट 1/8 माइनस 1/4। देन टाइप 1.2.10 जो पैकेज रहता है उसमें विड्थ रहती है 2.50, लेंथ 3.20, वेट 1/4। जे 2.0.10 का जो टाइप रहता है जो उसमें विड्थ रहती है 2.50, लेंथ 5.0, वेट 1/2। 2.5.1.2 जो टाइप रहता है उसमें विड्थ रहती है 3.20, लेंथ 6.40 एंड वेट रहता है 1। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रजिस्टर के जो टाइप्स रहते हैं उसके जो पैकेजेस रहते हैं उसकी विड्थ लेंथ और वेट के हिसाब से हम वो रजिस्टर के जो टाइप्स रहते हैं वो दिए हुए। ये अपना लेंथ है, ये अपना विड्थ है, इससे हम रजिस्टर के जो पैकेज उसका जो टाइप्स रहते हैं उससे हम फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका विड्थ लेंथ एंड वेट। हमें इस वीडियो में सीखना है SMD रजिस्टर के जो वैल्यू है उसमें R इज इक्वल टू ओम रहता है, मेंशन किया रहता है SMD कंपोनेंट में, बाद में K इज इक्वल टू किलो ओम माना जाता है और M के जगह पे मेगा ओम माना जाता है। अभी अपना जो SMD कंपोनेंट है उसमें R47 अपने SMD कंपोनेंट के ऊपर जो कोड मेंशन किया हुआ रहता है उससे हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो रजिस्टर कितने वैल्यू का है। जो R दिया हुआ रहता है, बाद में K दिया हुआ रहता है और बाद में M दिया हुआ रहता है, उसमें अब हमको एक ही काम करना है कि जो R, K और M जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पे कभी भी पॉइंट देने का। अभी मैंने R के जगह पे पॉइंट दिया तो कितना वैल्यू आएगा, R के जगह पे पॉइंट दिया तो 0.47 ओम आएगा। बाद में 4R7 की जगह पे मैंने R की जगह पे पॉइंट लगाया तो 4.7 ओम आएगा। 47R की जगह पे पॉइंट लगाया तो 47.0 ओम आएगा। देन K की जगह पे मैंने पॉइंट लगाया और ये इसमें एक याद रखना है, K मीन्स किलो। मैंने आपको बिफोर बताया था कि R रहेगा तो ओम रहता है, K रहेगा तो किलो ओम रहता है और M रहेगा तो मेगा ओम रहता है। यहाँ पे K आए इसकी वजह से वो जो वैल्यू मिलेगी वो किलो ओम में मिलेगी। K के जगह पे पॉइंट लगाने का, पॉइंट
47 किलो ओम। सिमिलरली जो 4 के 7 रहता है के जगह पे पॉइंट लगाने का और जो वैल्यू मिलेगी आप उनको किलो ओम में रहेगी 4.7 किलो ओम। 47 ऐसा रहेगा तो आप हमको जो वैल्यू मिलने वाली है, सॉरी यहाँ पे जो 47 लिखा हुआ है यहाँ पे 47 के रहेगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो हम वैल्यू मिलेगी वो 47 किलो ओम मिलेगी। बाद में यम 47 इसकी जो वैल्यू मिलेगी, यम मीन्स मेगा, 0.47 मेगा ओम वैल्यू रहेगी। बाद में यम 4m7 की वैल्यू 4.7 मेगा ओम, आर 464 की वैल्यू 0.464 ओम रहेगी, देन 464 आर की वैल्यू 464 ओम रहेगी, देन 4k64 की वैल्यू 4.64 किलो ओम रहेगी, देन 471 की वैल्यू 470 ओम रहेगी, देन 472 की वैल्यू। इसमें हमको क्या याद रखना है, जो 3 डिजिट का जो कोड रहेगा उसमें एक ही काम करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं वो सेम एज इट इज़ लिखने का, बाद में जो लास्ट में 2 लिखा हुआ है उसमें 220 ऐड करने का, मीन्स उसकी वैल्यू कितना आएगा 47 एज इट इज़, और 2 में 00 ऐड करने का, 2 लिखा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे 20 ऐड करने का, इससे हमारी वैल्यू क्या होगी 4.7 किलो ओम। 473 की वैल्यू क्या आएगी 47 एज इट इज़, और लास्ट का जो थर्ड डिजिट है उसमें 3 लिखा हुआ इसलिए 30 ऐड करने का हमारी जो वैल्यू मिलेगी 47 किलो ओम मिलेगी। देन 47 और लास्ट में जो 4 लिखा हुआ है उसमें 40 ऐड करने का, उससे हमारी वैल्यू 470 किलो ओम, और इसमें लास्ट में 47 के साथ 5 ऐड किया है, इसकी वजह से 47 लास्ट में 50 ऐड करने की, इससे हमारी वैल्यू 4.7 मेगा ओम होगी। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि SMD कंपोनेंट्स के ऊपर जो कोड लिखा हुआ रहता है उससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, जो R, K और M लिखा हुआ रहता है उससे ओहम, किलो और मेगा मेंशन किया हुआ रहता है। R लिखा हुआ रहता है उसमें हमारे वैल्यू ओहम में मिलेगी, K मेंशन किया हुआ रहता है उसमें हमारी वैल्यू किलो ओम में रहेगी, और M मेंशन किया हुआ रहता है उसमें हमारी वैल्यू मेगा ओम रहेगी, और जिसमें R, K और M नहीं लिखा हुआ रहता है उसमें हमारी वैल्यू 0 ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा SMD कंपोनेंट का वैल्यू रहेगा। सो आज के वीडियो में हम सीखे रजिस्टर के कलर कोड्स एंड SMD कंपोनेंट के जो कोड्स रहते हैं उससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें आज हम सीखे हैं। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कैपेसिटर के थ्रू रहेगा। सो आप मेरे इस वीडियो को लाइक किया रहेगा और पसंद आई हुई रहेगी तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो बहुत डीपली सिखाया जाता है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारे बेस्ट वीडियो है।